इस रास्ते से हम आए हैं और ये खूबसूरत सी लेक देखो, कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है। और सामने फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चंद्रताल लेक के पास। यही है वो खूबसूरत ब्यूटीफुल चंद्रताल लेक। देखो कितनी साफ सुथरी ये लेक है और बिल्कुल ब्लू इसका कलर है पानी का। अब इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं दूसरी तरफ इस लेक के। ये है वो खूबसूरत ब्यूटीफुल चंद्रताल लेक। ये देखो क्या खूबसूरत नजारा है। है ये खूबसूरत नज़ारा, कैसा लग रहा है आपको? जरूर पसंद आ रहा होगा। एक बार इसका आपको मैं क्रिस्टल क्लियर पानी दिखाता हूँ बिल्कुल नज़दीक से। ये देखो ये देखो पानी, क्रिस्टल क्लियर पानी। ठंडा पानी है, चिल्ड बर्फीला पानी है ये। और इस लेक के आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखो ये लगे हुए स्पीति फ्लैग्स। ये ऊपर के सामने दिखाई दे रहा है, ये व्यू पॉइंट है इस लेक का, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। और इस लेक के साथ साथ रास्ता बना हुआ है, उससे वहाँ तक जा सकते हो आप। ऐसा ही इस तरफ ये रास्ता बना हुआ है, देखो इससे भी आप वो आगे तक जा सकते हो। ये देखो वो वहाँ तक जा सकते हो। है ना खूबसूरत नज़ारा इस लेक का। चलो लेते हैं इस खूबसूरत लेक का एक सिनेमैटिक ड्रोन शॉट।
सो इस ब्यूटीफुल चंद्रताल लेक का, मूनलाइट लेक का एक ले लिया है खूबसूरत सा ड्रोन शॉट, और अब यहाँ से निकलने की हो गई है तैयारी। तो निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं अपने व्हीकल के पार्किंग प्लेस के पास, और फिर वहाँ से आगे जाकर जहाँ पे मैंने अपना बैग रखा था वहाँ से बैग उठाऊँगा और बैग उठाकर निकलूँगा मैं अपनी जर्नी टुवार्ड्स लोसार। अगर टाइम से लोसार पहुँच गया तो कोशिश करूँगा कि आज का जो स्टे करूँगा वो मैं करूँगा चिचम में। तो चलो चलते हैं यहाँ से। ये जो चंद्रताल लेक झील है, इस झील के बारे में मान्यता है ये झील होलीवर्थ लेक है, और इस झील को बिल्कुल भी गंदा ना करें। जो इसके बारे में कुछ स्टोरीज हैं लेक के बारे में, उसमें से एक स्टोरी ये है कि इस लेक में रात्रि के समय जब चंद्रमा की रोशनी पूरी पड़ती है इस लेक के ऊपर, तो परियां आकर यहाँ पर स्नान करती हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर भी इस जगह से स्वर्ग का द्वार खोला गया था, इसलिए यहाँ पे नहा के कपड़े धो के और पैर वगैरह गंदे इसमें ना डालें जिससे ये झील गंदी हो, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। सो गाइस, निकलने की हो गई है तैयारी, चलते हैं उसी टेंट के पास जहाँ पे मैंने अपना सामान रखा था, और वहाँ पे मैगी और एक टी ब्रेक लेते हैं, फिर निकलते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स लोसार। समय हो गया दोपहर के 1:57। चलो मिलते हैं आपको सीधा उन टेंट के पास, वहाँ से अपना सामान लेते हैं और करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। मैगी और कॉफ़ी ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, और इस टेंट का मैंने प्राइस पूछा तो 1200 रुपये टेंट का प्राइस है, जिसमें नाइट का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। काफ़ी अच्छी डील है यार, ये तो बढ़िया है। एक टाइम का खाना खाते हैं तो 100-150 रुपये का तो खाना हो ही जाता है, ब्रेकफास्ट में भी 100 रुपये के आसपास हो जाता है, तो वही 800 रुपये के करीब ये टेंट का खर्चा पड़ा। तो चलो चलते हैं यहाँ से, लेकिन इन लोगों की हिम्मत है, कैसे इन्होंने ये टेंट का सेटअप किया हुआ है, पहले टेंट को फिट करना, उसके बाद वहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध करना और पानी की पाइपलाइन बिछाना, कितना मुश्किल है यार सच में इन लोगों के लिए। ये देखो कितने टेंट्स लगाए हुए हैं, टूरिस्ट है ही नहीं है यार, 2-4 टूरिस्ट है, नहीं तो टूरिस्ट तो है ही नहीं। इस साल मनाली में जो फ्लड आया था जिसके कारण तबाही हुई है, उसी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट कम आ रहा है, लेकिन कुछ भी हो पहाड़ों की मैगी और चाय उसका तो मज़ा ही अलग है। सच में वेज मैगी खा के मज़ा आ गया। 150 रुपीज़ ली इन्होंने मेरे से लिए हैं, और वो 150 रुपीज़ जो थे ना, सच में उसमें तसल्ली हो गई, जो आनंद आया ना मैगी का और साथ में कॉफ़ी का, वो सच में ही A1 क्वालिटी का था। अब इसी के साथ आ चुकी है वाटर क्रॉसिंग और करते हैं इसको क्रॉस। ये है देखो वाटर क्रॉसिंग, और पानी इसमें है ठीक ठाक, कम नहीं बोल सकते लेकिन ठीक ठाक पानी है। तो सॉरी, बिना रुके चलते हैं। ओहो हो, ओहो, जूतों को भी ये धक्का मार रहा पानी। ये क्रॉसिंग मुझे याद है, और 2017 में भी ये मैंने क्रॉसिंग की थी, इसकी वीडियो मैं इस वीडियो के साथ में जरूर लगाऊंगा, देखते रहना, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। तब में और अब में क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ बाइक का फ़र्क है। तब मेरे पास थी TVS फिनिक्स 125cc, अब इस टाइम है Yamaha MT-15 वर्जन 2.0। ओहो, गियर लगा नहीं था,
तो चढ़ाई पे चढ़ नहीं पाया। ये होती है छोटी छोटी गलतियाँ। आपसे बात कर रहा था और ये लापरवाही हो गई छोटी सी। चलो आगे ख्याल रखूँगा, आगे इस तरह की कोई लापरवाही ना हो। इधर भी टेंट्स लगे हुए हैं और इन्हें लपेट रहे हैं टेंट्स को। ये ट्रक आया हुआ है यहाँ पे, ट्रक में लपेट कर ये सारा का सारा सामान ले जाएंगे यहाँ से। ये देखो क्या व्यू है, वाओ कितना अमेजिंग व्यू, वाओ मजा आ गया यार। ये देखो कैसे चंद्रा रिवर बह रही है यार। ये देखो अलग अलग स्प्लिट होके, और सामने देखो लैंडस्केप कितना खूबसूरत, सच में मजा आ गया यार। आपका भी मन कर रहा होगा जरूर आने का, अगर मन कर रहा है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। खड़ा हूँ एक खूबसूरत लोकेशन पे जहाँ पे इस चंद्रा रिवर का एक खूबसूरत सा बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, सोचा आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा चंद्रा रिवर का। ये देखो कैसे ये पूरी पूरी लेक स्प्लिट हो चुकी है अलग अलग टुकड़ों में, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और सामने देखो माउंटेन्स पे स्नो, वाओ। ये देखो यहाँ पे मिट्टी खिसकी हुई है बारिश की वजह से, टफ है रास्ता भाई सच में। ये भी एक बार में तो हाथ खड़े करवा देता है यार रास्ता अच्छे अच्छों के। अगर ऑफ रोड बाइक है आपके पास फिर तो इस रास्ते के मज़े अलग हैं, क्योंकि ऑफ रोड बाइक्स के सस्पेंशन बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जर्क्स वगैरह जो लगते हैं, बम्पिंग होती है एक्स्ट्रा अननेसेसरी, वो नहीं होती। चलो चलते रहता हूँ इसी तरह आगे, जर्नी टुवार्ड्स लोसार। ओह ये देखो खतरनाक वाला रास्ता, पत्थरों वाला रास्ता, लगता है आगे आ गई है एक और वाटर क्रॉसिंग छुटकी सी। और देखो पानी रोड पे आया हुआ है, यही वक्त मुझे पानी अच्छा लगता है रोड पे आया हुआ, और उसके ऊपर बाइक चलाना तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन इस रास्ते में बचाव करके ही चलूं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ओहो वाटर क्रॉसिंग तो नहीं थी लेकिन सड़क पे जरूर पानी था। चढ़ जा मेरे चीते, चढ़ जा, ये मारा चीता कहीं नहीं रुकने वाला और कहीं ना ही ये दम तोड़ेगा। इस चीते ने तो हानले में और उमलिंगलिंगला जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पास है वहाँ दम नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे क्यों तोड़ेगा। और सामने दो बाइकर्स खड़े हैं, लगता है इधर ही आ रहे चंद्रताल लेक की तरफ, और यहाँ पे चल रहा है इनका फोटो सेशन बाइकर्स का। फॉरनर्स लग रहे हैं ये मेरे को, कितने खुश हैं यहाँ पे अपनी फोटो खिंचवा के। जब मैं सिसवली साइड से आ रहा था तब मैंने आपको ये कैंप्स दिखाए थे, ये घर टाइप बने हुए देखो, रूम्स बने हुए हैं और ये छोटे छोटे कैंप्स वगैरह बने हुए हैं। और लोकेशन देखो कितनी बढ़िया यार चूज़ की है इन्होंने। और इसके लिए जो रास्ता है वो यहाँ से इसके किनारे किनारे होते हुए, ये देखो ये रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो मेरी उंगली है, ये रास्ता इस रास्ते से होते हुए आगे की तरफ से घूम के इसमें ऊपर आते हैं। तो क्या प्लेजेंट लोकेशन चुनी हुई है इन्होंने भी, देखिए इतनी दूर, वाकई में एडवेंचर वाला काम है। सो गाइस वो आपको पीछे जो कैंप से दिखा रहा था मैं, वो एक्चुअल में है नेशनल सेंटर फॉर एंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, हेडलैंड साडा, वास्को डी गामा, गोवा। और हिमालयन स्टेशन है और इसकी हाइट है 4080 मीटर सी लेवल से।
कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं। ये यहाँ से नीचे रास्ता जाता है और वो वहाँ जाकर निकलता है। अच्छा जी, तो ये चीज़ वो है। अब आ गई है ये दूसरी वाटर क्रॉसिंग, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि पानी कम है इसमें। पानी ज़्यादा होता तो ये भी बड़ी हो जाती। लेकिन पानी होता है ये ठंडा, बिल्कुल बर्फ की तरह। वो देखो मौसम खराब हो रहा है, बारिश वाला मौसम बन रहा है। टाइम रहते पहुंचते हैं लोसार और करते हैं वहां पे स्टे। अभी तो कुंजम पास पे मुझे लग रहा है बारिश ना हो रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुंजम माता हमारे लिए बारिश ना लाना, बस मुझे निकलने देना, सभी को निकलने देना।